ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केचनल के इस अंक में, और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मंडी जिला की 400 ग्राम पंचायतों को मिले 4G के हॉटस्पॉट, प्रदेश का पहला जिला है जहां पर पंचायतों को मिली ये सुविधा। धर्मपुर के वेट लिफ्टर आकाश को किया सम्मानित, खेलों के प्रोत्साहन से खिलाड़ियों में होता है ऊर्जा का संचार, बोली नरेंद्र अत्री। चालक संगठन के प्रधान राजेंद्र पाल शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा, दल बल सहित चालक परिचालक संगठन में शामिल होने का किया ऐलान। और पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया हालड़ा उत्सव, मशाल जलाकर भगाया प्रेत आत्माओं को। विभिन्न गुटों में बंटे HRTC के कर्मचारी अब धीरे धीरे फिर से एक होने लगे हैं। शुरुआत मंडी से हुई है। कुछ वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश चालक परिचालक संगठन से खफा होकर अलग से चालक संगठन बनाने वालों ने अपने संगठन को भंग करके फिर से चालक परिचालक संगठन का दामन थाम लिया है। सोमवार को चालक संगठन मंडी इकाई के प्रधान राजेंद्र पाल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पूरे दलबल के साथ चालक परिचालक संगठन में आने का ऐलान किया। चालक परिचालक संगठन के चेयरमैन जोगिंदर सिंह गिलेरिया ने चालक संगठन के प्रधान सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का संगठन में दोबारा आने पर स्वागत किया। चालक संगठन के प्रधान राजेंद्र पाल ने बताया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और यह इस्तीफा उन्होंने संगठन में चल रही अंतर्कलह के कारण दिया है। उन्होंने बताया कि आगामी कार्यवाही सभी सदस्यों के साथ बैठक में करने के उपरांत की जाएगी। वहीं चालक परिचालक संगठन के चेयरमैन जोगिंदर गुलेरिया ने भी चालक संगठन के सदस्यों के फिर से आते ही चालक परिचालक संगठन की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो नए लोग संगठन के साथ जुड़े हैं उन पर पूरा विश्वास बनाया जा सके। जोगिंदर गुलेरिया ने बताया कि आगामी जो भी निर्देश प्रदेश संगठन से मिलेंगे उन्हीं का पालन करते हुए दोबारा से संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे। मैं अपने प्रधान पद से चालक संगठन में चल रहे अंतर्कलह से अपना इस्तीफा देता हूं। आगामी जो आगे का जो प्रोग्राम होगा या कोई रणनीति होगी वो कुछ ही दिनों में जनता के कर्मचारियों के समक्ष रखी जाएगी। जो 2/2/2016 को प्रांतीय प्रधान श्री देवराज ठाकुर की अध्यक्षता में जो चुनाव संपन्न मंडी इकाई के हुए थे, उस कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करता हूं, और जो नई कार्यकारिणी है राज्य स्तरीय प्रधान के आदेशानुसार तुरंत उस नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। लाहौल में हालड़ा उत्सव पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मनाली में लाहौल समुदाय के लोगों ने मिलकर इस पारंपरिक उत्सव को मनाया। इस उत्सव में सैकड़ों लाहौल वासियों ने हाथ में जलती मशाल लेकर गुंपा से बाहर निकले तो पर्यटक का हजूम उमड़ पड़ा। जिला लाहौल स्पीति में सर्दियों के मौसम में त्योहारों और उत्सवों का दौर शुरू हो जाता है। इन्हीं उत्सवों में एक है हालड़ा उत्सव, जिसकी घाटी के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों धूम है। इस उत्सव में घाटी के लोग रात के समय अपने घरों से देवदियार की लकड़ी से निर्मित जलती मशाले लेकर हालड़ा हो चिल्लाते हुए जाते हैं। हालड़ा सर्दियों में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है। इस उत्सव में गांव के लोग निर्धारित स्थल पर इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। Bala bala!
हालड़ा उत्सव मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस उत्सव के माध्यम से आसुरी शक्तियां भाग जाती है। घाटी के लोगों का कहना है कि इस उत्सव के माध्यम से बुरी आत्माओं को भगाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। आपसी भाईचारे के प्रतीक इस उत्सव में देवताओं की खासकर लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस उत्सव में लोग नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार भी करते हैं। घाटी के लोगों का कहना है कि हालड़ा घाटी का प्रमुख त्यौहार है जिसका निर्धारण लामा द्वारा किया जाता है। इस दौरान मशाले साथ ही हालड़ा हो हालड़ा चिल्लाते हुए भूत प्रेतों व आसुरी शक्तियों को भगाया जाता है। भले ही वक्त के साथ त्योहारों को मनाने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन आज भी घाटी के लोग अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित मनाने के तरीके बदल रहे हैं लेकिन आज भी घाटी के लोग अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हालड़ा का उत्सव मनाली में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लाहौल के मनाली में बसे चारों घाटी के लोगों ने सब इकट्ठे होकर इस धार्मिक पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये उत्सव का मनाने का मकसद एक तो नए वर्ष के आगमन का खुशी में इसको मनाते हैं, दूसरी दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए मशाल को प्रज्वलित करके सभी लोग मशाल लेकर नगर की परिक्रमा करते हैं, जिससे सभी वासी इस दुष्ट आत्माओं से बचे रहें और नव वर्ष में खुशहाली आए। मैं स्वामला जन कल्याण संगठन मनाली के सभी सदस्यों की ओर से लाहौल वासियों को तथा प्रदेश वासियों को इस अवसर पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर स्वांगला जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष प्रेमचंद ने प्रदेशवासियों को हालड़ा उत्सव की बधाई दी और उत्सव को सफल बनाने के लिए बेहतर योगदान देने वालों का आभार व्यक्त किया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल में वातावरण दूषित व लोगों द्वारा तंबाकू का सेवन करने से कैंसर के मरीजों की बढ़ोतरी हुई है और आज पूरे प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या 15,000 से ऊपर चली गई है। अगर प्रदेश के कैंसर अस्पतालों की बात की जाए तो 50-60% मरीज लंग कैंसर के भर्ती हो रहे हैं। कैंसर शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर है। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती है तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं या यूं भी कह सकते हैं कि कैंसर के 100 से अधिक रूप हैं। इनमें स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लेडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, त्वचा कैंसर, स्टमक कैंसर, मुंह का कैंसर व गले का कैंसर आदि है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कैंसर है। लंग कैंसर गले एवं फेफड़े आदि में होता है जिससे मरीजों की जान तक चली जाती है। प्रदेश में लोग तंबाकू का भारी मात्रा में सेवन कर रहे हैं, ऐसे में लोग लंग कैंसर की बीमारी को खुला न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश में हो रही दूषित वातावरण के कारण भी लोग कैंसर के अधिक शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वातावरण दूषित होने से फल सब्जियों आदि में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है जो कैंसर का एक प्रमुख कारण है। हर कैंसर के होने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे भी हैं जिनमें कैंसर होने का खतरा किसी को भी हो सकता है। इनमें वजन बढ़ाना या मोटापा, अधिक शारीरिक सक्रियता न होना, अल्कोहल और नशीले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना, कैंसर में पौष्टिक आहार न लेना और अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल न करना इत्यादि है। कैंसर आनुवांशिक भी हो सकता है। कई बार कैंसर से पीड़ित माता या पिता के जीन बच्चे में आ जाते हैं जिससे बच्चे को भविष्य में कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। किसी गंभीर बीमारी के कारण भी आपको कैंसर हो सकता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी के लिए दवाएं ले रहे हैं तो इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। वहीं चिकित्सकों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि अगर लोगों को कैंसर की बीमारियों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन कम करना होगा। भारत को छोड़कर अन्य देशों की बात की जाए तो कैंसर की बीमारियों पर काफी ज्यादा काबू पाया गया है।
चिकित्सकों के अनुसार अंदाजा लगाया गया है कि पूरे भारत में 2030 तक कैंसर के मरीजों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। साथ ही शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है और उम्र के पड़ाव पर व्यक्ति बीमार पड़ने लगते हैं, ऐसे में कई बार कैंसर भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। डिजिटल इंडिया की तरफ मंडी जिला ने एक और कदम बढ़ाया है। मंडी जिला प्रशासन प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां की ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। जिला की 400 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हॉटस्पॉट जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मंडी जिला की ग्राम पंचायतों को यह सुविधा दी गई है और आने वाले दिनों में प्रदेश के बाकी जिलों की ग्राम पंचायतों में भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। अनिल शर्मा ने बताया कि आज यहां पर सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो ऐसे में ग्राम पंचायतों को भी डिजिटल करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस कार्य के लिए मंडी जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि जिला की बची हुई ग्राम पंचायतों में भी जल्द ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। आप एक तो 4G की जो हमारी बैनर की लॉन्चिंग हुई है और लगभग 400 पंचायतों को ये बैनर जो है हमारे प्रदान किए जा रहे हैं और वहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वहाँ पर पासवर्ड जो है हर पंचायत को वो पासवर्ड बाहर लगाया जाएगा और जितने भी कम से कम एक पंचायत के अंदर लगभग 10 लोग जो है एक लक्ष्य इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्री वाईफाई सिस्टम जो है एक तरह से 400 पंचायतों को आज हमने जिला मंडी में डीसी साहब के माध्यम से आज यहाँ पर हमने इसको शुरू किया है। पहला जिला है जहाँ पर इस जिला है जहाँ पर शुरुआत हुई। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि इस तरह की हमारे सभी जिलों में इस तरह कैसे हो जिससे कि वाईफाई जो है आज बहुत जरूरी है हमारे लिए। इस मौके पर डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि पंचायतों को जो हॉटस्पॉट दिए गए हैं और इसका पंचायत के अलावा स्थानीय लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पंचायतों के बाहर पासवर्ड लिखा होगा और जब पंचायतों का वर्किंग टाइम होगा और उस दौरान स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रत्येक पंचायत हर महीने 500 रुपये का भुगतान करके अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकती है। यह जो इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है, इस व्यवस्था के अंतर्गत हम आम जनता को फ्री इंटरनेट एक्सेस दे रहे हैं। हर पंचायत एक हॉटस्पॉट बनेगा इंटरनेट का और वहाँ पे हम आम आदमी भी पंचायत में जाके इंटरनेट को फ्रीली एक्सेस कर सकता है, जिससे कि वो अपनी जो डिजिटल एक्टिविटीज़ है वो सारा वहाँ जाके इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है। इसको सीमा क्या रखी गई है, आपने समय किस दौरान कर सकते हैं? ये ऑफिस टाइम में ही होगा। बता दें कि जहां 4G की सुविधा होगी वहां 4G का इस्तेमाल 500 MB तक किया जा सकता है, जबकि इसके बाद स्पीड 2G पर आ जाएगी। जहां पर 4G नहीं है वहां पर 3G या 2G की सुविधा ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। शिक्षा के साथ साथ खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेलों को प्रोत्साहन देने से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होता है
वह अधिक जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ये बात प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर के बेट लिफ्टर आकाश को सम्मानित करने के उपरांत कही। नरेंद्र अत्री ने कहा कि आकाश ने राज्य स्तरीय बेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपने माता पिता के साथ साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा जरिया है जिससे युवाओं को जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत मिलती है। बता दें कि आकाश धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की लौंगनी पंचायत के हुक्कल गाँव से संबंध रखता है और आकाश ने हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय बेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। उनकी इस उपलब्धि पर नरेंद्र अत्री ने उन्हें उनके घर जाकर शॉल और टोपी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नरेंद्र अत्री ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता तथा क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। नरेंद्र अत्री ने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में आकाश क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी खेलों की तरफ प्रोत्साहित करें जिससे कि युवा सशक्त और स्वस्थ बने। आज यहां लौंगड़ी पंचायत के उक्कल गांव के भाई आकाश जी जो यहां के युवा होनहार हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हुई प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर न केवल अपने माता पिता का बल्कि क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। यहां स्थानीय लोगों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया एवं आशा व्यक्त की गई कि आने वाले समय में ये न केवल अपने प्रदर्शन में सुधार कर अपने क्षेत्र का अपने गाँव का अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करेंगे बल्कि इसके साथ साथ अपने क्षेत्र में अपने जूनियर्स को मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ करके इस कड़ी को और बढ़ाएंगे ताकि आने वाले समय में और अधिक मेडल हमारे क्षेत्र के लिए मिलें, हमारे युवा स्वस्थ हों, सजग हों और मजबूत हों। इस मौके पर आकाश के पिता सुरेश कुमार, माता माया देवी, भाजपा शक्ति केंद्र प्रधान सुरेश कौंडल, भाजपा बूथ अध्यक्ष शुक्ल रोशन लाल, विजय कुमार, ओमचंद, शंकुंतला देवी, दामोदरी देवी, रीता देवी, संध्या देवी, अंचल ठाकुर, आकृति, आशीष ठाकुर, अजय कुमार, सन्नी, मनोज वर्मा, कमलेश वर्मा आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इन दिनों छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां पूरे जोरों शोर से चल रही है और ऐतिहासिक पड्डल मैदान में डोम स्थापित किए जा रहे हैं और पूरे शहर भर में रंग रोगन से रेनोवेट किया जा रहा है। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और ऐतिहासिक पड्डल मैदान में डोम स्थापित किए जा रहे हैं और पूरे शहर भर को रंग रोगन से रेनोवेट किया जा रहा है। वहीं लोगों के अनुसार शिवरात्रि मेला कमेटी द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। मेला कमेटी का जो अभी सारा मेला है वो मैक्सिमम इंडोर में होगा जिससे बारिश हो या तूफान हो उसकी वजह से व्यापारियों को भी नुकसान नहीं होगा और लोगों को भी सुविधा होगी। ये कि बहुत सराहनीय कदम है और पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए मेला कमेटी का सराहनीय कदम है। जो स्टेप लिया है मेला कमेटी ने, हम मेला कमेटी के अध्यक्ष DC महोदय संदीप कदम जी का तय दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है के लिए और व्यापारियों के लिए भी एक इंडोर फैसिलिटी मिलेगी जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि फेयर है, ठीक है ना, उसका स्टैंडर्ड भी हाई होगा, ठीक है, लोगों को भी बारिश में भी वो अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना, बच्चे भी अटेंड कर पाएंगे और जो संध्याकालीन संध्याएँ होंगी, ठीक है, वो भी अगर इंडोर ही हो रही हैं तो बहुत अच्छा कदम है, है ना। और दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यापारी आए हैं यहाँ पे वो लूटा महसूस ना करें, ठीक है ना, उनके लिए भी जो कदम उठाया है मेला कमेटी ने तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उनके जो रेट प्राइस हैं वो भी जो है ना सीमित रहें ताकि वो भी यहाँ से मतलब ये ना समझें अपने को कि हमें जो है यहाँ पे लूटा ही गया सिर्फ, ठीक है ना, और उनको जो अच्छी व्यवस्था मिले और सफाई का भी ध्यान रहे, ठीक है ना, और सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड रहें, है ना, इसके लिए हम मेला कमेटी के अध्यक्ष का और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।